मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूले के बारे में बताने लगा हूं जो आपकी स्किन को जो है ना बिल्कुल व्हाइट कर देंगे, यानी कि आपके हाथों और पाओं को व्हाइट कर देंगे। आपने देखा होगा अक्सर ही कि जितनी भी बड़ी टिकटॉकर्स या एक्टर वगैरह होते हैं ना, उनके हाथ पाओं बहुत ज्यादा व्हाइट होते हैं। वो अपने हाथ पाओं कैसे व्हाइट रखते हैं, आज की वीडियो में मैंने आपको यही बताना है। वो कौन सी ऐसी क्रीमें लगाती है, वो कौन से ऐसे फॉर्मूले लगाते हैं जो उनके हाथ पाओं बिल्कुल व्हाइट होते हैं और किसी को अपना वो फॉर्मूला वगैरह नहीं बताते। मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कैसे फॉर्मूले बना बना के अपने हाथ और पाओं के ऊपर लगाते हैं जो उनके हाथ पाओं बिल्कुल व्हाइट व्हाइट रहते हैं और उनके हाथ पाओं कभी भी ब्लैक नहीं होते। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं, लेकिन उतनी देर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले कि टिकटॉकर या एक्टर वगैरह क्या क्या यूज करते हैं। ठीक हो गया जी, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान, आप देख रहे हैं इरफान मुगल ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको एक ऐसी टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी जो है ना हाथ पांव बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। चंद चीज़ें अगर आप यूज़ कर लेंगे ना तो आपके हाथ पाँव बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं अपनी वीडियो का जो है ना आगाज करूँ, आपको बताऊँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ पाँव को बिल्कुल वाइट कर देगी। लेकिन आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि कौन सा फार्मूला है और किस तरह इसको ऐड करना है। मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा, बस आपने मेरी वीडियो को देखना है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट भाई को दे दे, फिर इसका जादू आप पे असर करेगा इंशाल्लाह। तो वो कौन सी चीजें हैं जो फार्मूले ऐसे हैं जो कोई भी टिकटॉकर वगैरह इस्तेमाल करती है और किसी को बताती नहीं, मैं आज आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेनी है 4 अदद आर्ची क्रीम लेनी है, और इनका कमाल जो है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपके हाथों पाँव को बहुत ज़्यादा वाइट करने में मदद करेगी। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे आपने लेनी है हैंड एंड फुट क्रीम। ये एक ऐसी क्रीम है कि अपना जो है ना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, यानी कि आप कह लें कि 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है ना आपके हाथ पाँव बिल्कुल वाइट होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें हमने और क्या शामिल करना है, 1 अदद गोल्डन पर क्रीम यूज़ करनी है अपने फार्मूले के अंदर, और 1 अदद हमने करना है ग्लोपाटोन। ग्लोपाटोन जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और इसका वाकई में काम बहुत अच्छा है। देखिए, हमने कोई भी फार्मूले पहले बनाते थे ना, उसमें फेयरलवली चलती थी, फेयरलवली डालते थे कोई भी फार्मूला बनाते थे, लेकिन आज हम इसमें ग्लोपाटोन ऐड करेंगे क्योंकि इसका जादू मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है और ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। हम इसको इसलिए इस फार्मूले के अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारा फार्मूला बहुत अच्छा बन सके। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने फार्मूला बना के अपनी शॉप पे भी सेल किया है और जिनको दिए हैं उन्होंने 3-3, 4-4 फार्मूले बनाए हैं। ठीक हो गया जी। ये तो 3 चीज़ें हमने 3 से 4 चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं, और इसमें हम करेंगे 1 अदद डर्मोविट ग्रीन वाली, ठीक हो गया, और 1 अदद करेंगे क्लोबोविट ऑरेंज वाली, और तीसरे नंबर पे हम करेंगे डर्मोवेट रेड वाली। आपने ये 3 ट्यूबें ले लेनी है, तीनों को निकाल के तो जो है ना अपने फार्मूले के अंदर ऐड करना है। कैसे करना है मैं बाद में आपको बताऊंगा। और 1 अदद हमने लेनी है किसी भी अच्छी कंपनी की हील क्रीम, यानी कि एड़ियों के लिए, क्योंकि हमने हाथ और पाँव के ऊपर यूज़ करनी है एड़ियाँ। आपको पता है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती है, हाथ पाँव जो है ना बिल्कुल ही वो रूखे रूखे से हो जाते हैं। इसका ये काम है कि आप पानी में सारा दिन काम करते हैं तो ये अगर उसमें ऐड कर लेंगे ना तो आपके हाथ पाँव फटेंगे नहीं, रूखे रूखे से नहीं रहेंगे, बल्कि नरम मुलायम हो जाएंगे। इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। किसी ने भी आज तक ये फॉर्मूले के अंदर ऐड नहीं की होगी। मैं आपको वो चीजों के बारे में बताता हूं जिसका मुझे 100% पता होता है कि ये काम अच्छे तरीके से करती है और इनका फायदा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजों के बारे में आपको बताया है कि शायद ही आपको किसी ने इस चीजों के बारे में बताया होगा या गाइड इस तरह किया होगा। ठीक हो गया। और 1 अदद आपने लेना है बायोकास्ट का सीरम, हम इसी फार्मूले के अंदर ऐड करेंगे, और इसका भी काम आप जानते हैं कि ये वाइटनिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा सीरम है। ठीक हो गया। और 1 आपने लेना है इव्यून का कैप्सूल का पूरा पैकेट लेना है, 1 पत्ता लेना है, इसमें 10 कैप्सूल्स होते हैं और आपने मुकम्मल इस फार्मूले के अंदर 10 के 10 ऐड कर देने हैं। दूसरे वाइट वाले बिल्कुल भी ऐड नहीं करने इस फार्मूले के अंदर, ये वाले करने हैं 10 के 10। ठीक हो गया। इसकी कुछ इस तरह के जो है ना पैकिंग होगी, डिबिया होगी, तो आपने ये 1 पत्ता लेके ना इसमें ऐड कर देना है। तो जो मेन चीज़ है उसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ जिसका
जो काम है वाइटिंग के लिहाज से, कि आपका कलर वाइट हाथों पाँव का करने के बाद खराब कैसे नहीं होगा, कौन सी ऐसी चीज है जो हम उसमें ऐड करेंगे? वो जी है जनाब गोल्ड फेस का वाइटिंग पाउडर। ये आपने पाउडर 2 डिबियां लेनी है। इसका कमाल ये है कि आपने जितने भी फार्मूले आज तक अपने हाथ और पाँव के ऊपर यूज़ किए होंगे, अपने फेस के ऊपर यूज़ किए होंगे, वो इस्तेमाल करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी जगह पर आना कलर शुरू हो जाता है। तो हम इसलिए इसमें ये 2 वाइटनिंग पाउडर ऐड करेंगे। इसका ये फायदा है कि जहाँ आपका कलर वाइट हो जाएगा वहीं पर स्टिल रहेगा इंशाल्लाह, उससे जो है ना वो ब्लैक की तरफ नहीं जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने लाजमी ऐड करने हैं ताकि आपको अच्छे से फायदा मिल सके। अच्छा जी, ये तो वो वाली चीजें होगी ना जो हमने फार्मूला एक बनाना है उसमें ऐड करनी है। ठीक है जी, इसको ऐड कैसे करना है, फार्मूला कैसे बनाना है, मिक्सिंग कैसे करनी है, ये अब मैं आपको बताता हूं। ये आपने गौर से सुन लेना है। ठीक हो गया, सबसे पहले आपने लेनी है 4 अदद आरची, जो आपने एक बोल लेना है उसमें ये निकाल के अच्छे तरीके से आपस में इसको मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया, उसमें हम लेंगे हैंड एंड फुट क्रीम, एक एक डिब्बी आपने खोलनी है, उसी तरह ही सेम इसमें ऐड करना है, अच्छे तरीके से इसमें जो है ना मिक्स कर लेना है ताकि क्रीम जो है ना एक तरह की हो जाए। उसमें जो है ना 1 अदद गोल्डन पर खोलेंगे, वो भी उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने एक एक करके डालनी है सारी जो क्रीम में, मिक्स इकट्ठी नहीं करनी, नहीं तो आपका फार्मूला ठीक नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि वीडियो को जो है ना स्किप ना किया करें, मुकम्मल देखा करें ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। फिर आप कहते हैं कि भाई मुझे जो है ना दोबारा बताएं, ये बताएं, वो बताएं, इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। अच्छा जी, ग्लोपाटोन अभी हमने इसमें ऐड नहीं करना है, कब करना है ये भी मैं आपको बताता हूं। हमने ये 3 अदर ट्यूबें लेनी है, ये तीनों की तीनों खोल लेनी है और जो चीज़ें हमने मिक्स की है उसमें हमने ऐड कर लेना है। तीनों की तीनों ऐड करके अच्छे तरीके के साथ जब एक तरह की ये क्रीमें हो जाएंगी, फिर हमने निकालनी है के कंपनी की ले लिए, किसी और कंपनी की ले लें हीर क्रीम, ये मुकम्मल निकाल के आपने इसमें ऐड कर लेनी है। जब ये फिर दोबारा ठीक तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने क्या करना है, बायोकास का 1 अदद सीरम ले लेना है, इसमें ये भी ऐड कर देना है। उसके बाद इव्यून के कैप्सूल सारे के सारे खोल लेने हैं, एक एक करके इसमें डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। ठीक हो गया, और इसके बाद आपने ले लेना है वाइटनिंग पाउडर, गोल्ड फेस का वाइटनिंग पाउडर लेने हैं, ये दोनों के दोनों इस फार्मूले के अंदर डाल देने हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें लेके आपने इसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। जब अच्छे तरीके के साथ ये मिक्स हो जाएगी, आपका आधा घंटा या यानी कि 1.5 घंटा लग सकता है, लेकिन आपकी क्रीम बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद हम लेंगे ग्लोपाटोन, ग्लोपाटोन लेंगे, इसमें जो है ना आपने आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना सारा डाल देना, मुकम्मल डालना है, पोच लेना आपने छोटे वाला, बड़े वाला नहीं लेना, छोटे वाला पोच लेके आहिस्ता आहिस्ता अपने फार्मूले के अंदर डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। जब ये अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाएगी, आपने एक छोटा सा डिब्बिया वगैरह लेनी है, उसमें स्टोर करके आप अपनी फ्रीजर वगैरह या किसी भी चीज़ के अंदर रख सकते हैं। इसका कोई ऐसा मसला नहीं है कि बाहर पड़ी रहे या फ्रिज में रखनी है, जहां मर्जी आप रख सकते हैं, मौसम चेंज हो गया। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। ठीक हो गया, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।